आई एम शारिब हाशमी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन bollywoodnazar.com. बॉलीवुड नजर को किसी की नजर न लगे. हाय, मैं हूं इनामुल हक और इस वक्त आपकी नजर है bollywoodnazar.com पर. आपने मूवी में मिमिक्री कई एक्टर्स की मिमिक्री की जी, लेकिन वो जो है मिमिक्री का जो पार्ट है वो आजकल सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस करते हैं, कई लोग करते हैं जी. तो आपको क्या लगता है आपने क्या अलग किया मूवी में जो इतना ज्यादा पसंद किया लोगों ने? मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैं उल्टा मैं बहुत अच्छा मिमिक भी नहीं हूँ. जो आप अगर स्टैंड अप शोज में देखते हैं वो लोग मुझसे 10 गुना अच्छी मिमिक्री करते हैं. तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट जो थी वो इतनी पावरफुल थी, उसके अंदर मिमिक्री को हमने उस तरीके से नहीं किया कि खाली हंसाने के लिए या वो करने की वजह से. वो कहानी के अंदर एकदम पिरो के स्क्रीन प्ले में मतलब इन्फॉर्मेशन देते हुए सारी चीजें आगे बढ़ती हैं. जब वो बोलता है कि ये जाओ भागो यहाँ से, तो बोलता समझाओ इसे, समझाओ ऐसे खिला ले. तो वो चीजें हमने मतलब जिस तरीके से देखी है फोर्स नहीं, शो में ऐसे भेजा था कि पता ही नहीं चलता. और वो कैरेक्टर भी ऐसा है जहाँ जरूरत है जिसकी जहाँ जरूरत है, और कैरेक्टर भी ऐसा है कि वो फिल्मी है तो वो करेगा ही मिमिक्री. वो बचपन से बड़े लेकर जवानी तक वो फिल्में देख देख के बड़ा हुआ है तो वो करेगा ही मिमिक्री. कोई ऐसा एक्टर है जिसकी मिमिक्री मतलब आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है करना? बहुत सारे हैं, मुझको तो मेरा मिमिक्री का जो वो है एक्सपर्टीज है बहुत छोटा सा है. भाषण की मिमिक्री का वो सबसे ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए. बहुत की एक्टिंग सबसे हां, ज्यादातर मिमिक्स लोगों को ये होता है. तो ये इस फिल्म के अंदर वो जो भी थोड़ी बहुत मैं करता था वो इसमें काम आ गई. कैरेक्टर की डिमांड थी और उसके अंदर हमने कर लिया और लोगों को पसंद आ गया. बहुत अच्छा. मैंने कुछ ऐसा अलग नहीं किया, ऑफ स्क्रीन भी इनका बहुत ही चलता रहता था और सब लोगों को हंसा हंसा के लोट नहीं. किसी एक की मिमिक्री जो बहुत अच्छी करते हो, एक लाइन अगर नहीं अच्छी तो सबसे सन्नी पाजी की है. चड्डा समझाओ इसे, समझाओ ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं मगर उसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता. मर्द उसे लेकर पैदा होता है और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी में पड़ता है ना तो आप में होता नहीं है, उठ जाता है। परीक्षित सानी साहब की बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं. व्हाट इज दिस, अरे तो व्हाट अ पिक, तू तो बंद बॉक्सर. ये कुलभूषण करवंदा जी की बहुत जबरदस्त करते हैं. अरे नहीं, मतलब मैं मिमिक्री की 10वीं ज़ेरॉक्स कर रहा हूं. हां हां, लेकिन बहुत सही. अरे जान दे दूंगा पर मुंह नहीं खोलूंगा. और पीयूष मिश्रा जी, अरे हाँ, मारेंगे मेरे से. वासुपुर में कोयले का बिजनेस अपने सोर पर कुरैशी पठान के बीच में झगड़ा चल रहा है. सुपर. ये जो नेशनल अवार्ड जो विनर मूवीज होती हैं और बॉक्स ऑफिस हिट्स होती हैं, इन्हें अलग अलग कैटेगरी में यूजुअली रखा जाता है कि अलग सिनेमा है ये, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? ये एक बहुत अच्छी बात हुई है कि फिल्मिस्तान से ये एक मिथ भी ब्रेक हुआ है, क्योंकि हमेशा से ऐसा माना जाता रहा है कि अरे ये तो नेशनल अवार्ड विनिंग तो थोड़ा सीरियस सिनेमा होगा, थोड़ा डिप्रेसिंग वाले मोड पे होगा या थोड़ा प्रीची होगा, तो लोग उसमें रहते थे. लेकिन फिल्मिस्तान क्योंकि आम ऑडियंस से आप पूछ के देखिए उनको फुल ऑफ एंटरटेनमेंट भी है, उनको हंसी भी आ रही है, वो इन्जॉय भी कर रहे हैं और साथ में एक मैसेज भी. तो वो जो नेशनल अवार्ड विनिंग लोगों ने ऐसा एक मिसकंसेप्शन बना दिया कि ऐसा डार्क सिनेमा होता है, ऐसा कुछ नहीं है. स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए, फिल्म अच्छी होनी चाहिए, वो कौन किसी भी जॉनर की हो सकती है. तो मुझे लगता है कि फिल्मिस्तान से शायद ये वाली भी एक मिथ ब्रेक होगी. तो अब जो मूवी थिएटर्स में आ गई है, लोग आपको पहचानने लगे हैं, आप नेम मिला है, फेम मिला है, तो कितनी अलग हो गई है लाइफ इसके बाद? अलग तो नहीं, हाँ अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा. लोग मतलब मैं ऐसी मॉल में बैठा था, अचानक कोई बंदी आई और उसने मुझे टिश्यू पेपर से ऑटोग्राफ लिया, तो वो सारी चीज़ें अच्छे अच्छे क्यूट से मोमेंट्स मतलब अभी हो रहे हैं लाइफ में, तो वो सब अच्छा लग रहा है. चेंज ऐसा अंदर से तो कुछ चेंज ऐसा आया नहीं है, बट हाँ लोगों के परसेप्शन में अंदर से चेंज आना भी नहीं चाहिए. नहीं आया तो अच्छा. अभी एक निखिल अडवाणी जी की एक हाँ प्रोजेक्ट है, वो मैं कर रहा हूँ उनके साथ में. बहुत अच्छी कहानी है वो और बिल्कुल अलग किरदार है.
और उसके अलावा नहीं अभी मैं नहीं बता सकता, और उसके अलावा कुछ और चीज़ें बहुत अच्छी पाइपलाइन में है जो मैं भी डाइवर्ज नहीं करना चाहता, क्योंकि जब तक साइन ना हो जाए तो, बट आई एम रियली मतलब हैप्पी कि जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं ऑफर वो अच्छी हैं, कुछ वैसे भी हैं जो मतलब स्लैपस्टिक जोन में मुझको डालना चाहते हैं लेकिन वो मुझे अभी फिलहाल हाँ मतलब जब तक स्लैपस्टिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो स्टोरी और स्क्रिप्ट एकदम धमाल हो तो फिर कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं लेकिन वो फिर होना चाहिए धमाल वैसे। आप रियलिटी शो में राइटिंग करते थे, आप राइटिंग में वापस जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ किसी भी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए लाइफ में, और लेकिन फिलहाल कुछ समय तक मैं एक्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अभी मतलब बातचीत चल रही है लेकिन कुछ चीज़ें भी अभी चीज़ें प्रोसेस में हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी हो गई है कि मैं पाकिस्तानी एक्टर हूँ मैं हाँ कई बार सिनेमा हॉल पे लोग अरे हम तो समझे आप पाकिस्तानी एक्टर हैं, इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने मुझसे एक डायरेक्टर साहब ने अरे पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं आप, तो मैं ऐसे लियारी रोड पे शॉक हो गए कि अरे आप मुंबई से ही हैं, मैंने कहा तो वो एक इंटरेस्टिंग सा वो है। तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा मैं इंडिया से ही हूँ, हिंदुस्तान से ही हूँ, रीच में हूँ, कभी आउट ऑफ रीच करके आप स्किप मत कर देना। तो उम्मीद है अच्छा काम आएगा, अभी इंतज़ार है और इंशाल्लाह फिल्मिस्तान जैसे अच्छा काम किया और बेहतर काम करने की कोशिश करें। अभी हम लोगों के साथ भी ऑडियंस की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, लोग मिलते हैं तो यही बोलते हैं कि मतलब हमको और अच्छी की उम्मीद है आप लोगों से, तो उनकी उम्मीदों को भी ध्यान में रखना है, अपने ज़रूरतें भी ध्यान में रखनी है, तो इंशाल्लाह जो होगा अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। हम बड़े फनी हैं हाँ हमारे फन से बॉलीवुड को नजर न लगे।